हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा चटपटी और सभी की फेवरेट भेल। और ये जो भेल है गाइस, बस 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है। जैसे बाहर हम लोग ठेले पर भेल खाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये 5 मिनट में बनने वाली भेल बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्टेंट भेल बनाने के लिए सबसे पहले गाइस हमने यहाँ पर लिया है 3 कप ये पफ राइस या मुरमुरा। आप लोग इसे थोड़ा सा भूनकर या जो रोस्ट करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे रोस्ट नहीं किया है। इसमें हम लोग मीडियम साइज़ के 2 प्याज, 1 पका हुआ लाल टमाटर हम लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, इसके बाद बारीक सेव हम लोग इसमें डाल देंगे। सेव नहीं है तो जो भुजिया मिलता है मार्केट में वो भी आप डाल सकते हैं। 1 छोटी साइज़ का उबला हुआ आलू भी मैंने इसमें डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। और इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे गाइस 2 से 3 चम्मच इमली का खट्टा पानी। बस इमली को आपको 10 से 15 मिनट पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद उसका खट्टा पानी आपको इसमें यूज़ करना है। इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब ये मीठी वाली खजूर की चटनी भी डाल दी है। इसका जो क्वांटिटी है गाइज ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है, ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर या जो बाकी की चीज़ें हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला भी डाल दिया है। और बस इसके बाद हम लोग इसमें स्क्वीज़ कर देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आप चाहे तो चाट मसाले की जगह पर आमचूर पाउडर या पानीपुरी मसाला यूज़ कर सकते हैं, काला नमक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं, जैसे उबला हुआ चना वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बस 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये चटपटी सी भेल तैयार है। बस घर की ही चीज़ों से मैंने बनाई है, जितनी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है उनसे इसे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, चाहे इसमें एक चीज़ कम हो या एक चीज़ ज़्यादा हो। तो एक बार ज़रूर ये इंस्टेंट भेल की रेसिपी और चटपटी भेल की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।